अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि पिछला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आपको पता है, आज ईद का दिन है पाकिस्तान में। तो ईद हमारी ऐसी वापडा वालों ने गुजारी है कि आपको क्या बताऊँ। बस कल रात से नहीं है लाइट, अभी तक भी नहीं है। तो मोबाइल वगैरह लो हैं तो वो इन्वेटर वगैरह पर मैंने रखी है। तो अभी थोड़ी चार्ज हुई थी, मैंने बोला कि व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, तो इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर लिया। बाकी मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला सब की कुर्बानियाँ कबूल अता फरमाए। माशाल्लाह इना रुमेसा और सारा जो तैयार हुई हैं, माशाल्लाह प्यारा, बहुत प्यारा तैयार हुई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो माशाल्लाह दोनों तैयार हुई हैं। सबनी का चाहिए ईद मुबारक। सारा सारा ईद मुबारक। एना हाय हाय सारा। तो माशाल्लाह ये दोनों बहुत अच्छा तैयार हुई हैं। चाचू ईद मुबारक चाहो सबनी के। रुमेशा ईद मुबारक। बाबा की खर्ची वर्ती तो हाँ खर्ची वर्ती तो बाबा का क्या नहीं मंगल तो कौन वर्ती तो। तो अभी ये अबू से खर्ची लेंगी तो आपको मैं दिखाऊंगा इनके नखरे। चा कपो खर्ची। अबू से खर्ची मांगी कबे। तो क्यों कबे यानी खर्ची कबे वो ये है सही है। हेलो बाबा है बोला है सही आने खुश है चाचू खुश है। बाबा ना गुस्सो न कयो, गुस्सो न हाँ। बस बाबा सुठी खर्ची देना तो ना हल ठीक है। हाँ बाबा के हपा क्यों रुमेशा तुम कर बाबा के हपा। चाचू बाबा जी खर्ची ना दियो तो गुस्सो किए कि बाबा ना की रमेशा की करिया ये तो बाबा ना नगर लिया। तो इनका गुस्सा देखो बोल रही कि बाबा से अगर बाबा खर्ची नहीं देता तो बात भी नहीं करते। बाबा खर्ची देनी दिखाओ दिखाओ दस दस हाँ। ईद मुबारक। तो अभी सारा की बारी है, देखते हैं सारा कौन से पैसे ले रही है। अबू इसके आगे दो मतलब चीज़ें रखेगा तो देखते हैं कौन सा लेती है। अबू कैडी खर्ची खपे। अबू कैडी खपे ए खपे ए खपे कैडी खपे वठ 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 ए अरे तो माशाल्लाह ये भी सही नहीं। ये समझ गई है कि ये बड़ी होती है। 10 रुपए से आजकल काम नहीं चलता तो इसने 500 लिए। ईद मुबारक कर सबनी ईद मुबारक कर। खर्ची कहाँ है मुझे अरे खर्ची तो के भी अच्छा तो भी बस हले हाँ अपा कर माजा अपा कर माजा बस खुश आने बीना कपे बस इस लगिया लगी है। अभी जस्ट लाइट आई है तो बाबडा वालों की मेहरबानी है। बाकी कल रात से जो इन्होंने किया है तो हमने सोचा कि कल ईद बिना लाइट के गुजरेगी। एक तो गर्मी है, एक तो कपड़े मेरे जो हैं वो रेशमी हैं, इस वजह से
बाकी अभी थोड़ी देर में भाई वाले देखते हैं आएंगे तो जाएंगे खानापुर हरी में जाते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे वहाँ हैं तो उन पर फातिहा वगैरह भी पढ़ते हैं कब्रिस्तान में, और बाबा से भी मिलेंगे। भाई जान तैयार हुए हैं अभी भाई, तो सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। हम सबको, हम सबकी दिल से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और आज का क्या वो सीन है, मतलब कहाँ खानापुर जाओगे, कहाँ जाओगे? ऐसी जगह जाएंगे आपको मजा आ जाएगा, बरकत है। ऐसी जगह बताओ जहन में कुछ ज्यादा आदमी आ जाती है। बताने की जरूरत नहीं, वरना आप चंपली हमारे कहाँ समझा करो। अच्छा तो अभी मतलब ओचे तो जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। मेरा तो ये सीने में मेरी मतलब दिल के, मेरा दिल के रहा है कि मैं जाऊँ खानापुर, क्योंकि बड़े हैं वहाँ पर, तो देखते हैं मिलकर फिर जाएंगे वहाँ। वहाँ अभी पढ़ कर आ रहा है नमाज, थोड़ी देर बची है, हम चलेंगे, हम बाहर को संभाल लेंगे, उसे मस्के उसको लगाएंगे। ठीक है अली जान को भी बोल दे। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक सर के सर के ला यार वा चाची का पैर जा जी हो चाची चाहिए चाची के एक और बोल दे नहीं भाई आज का तो मैं एक नोट ले रहा हूं दिखता ही नहीं है। अच्छा और दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने। अभी खाना वगैरह लग गया है तो वो खाएंगे, बाकी हमेशा मैं आप खाने को शुरू करते हैं। ये व्लॉग में आपने देखा हम ईद नहीं मनाने वाले थे, पर वही सोचा हमने, रात सोचा फिर ईद मनाने का सोच लिया, फिर सोच लिया कि मनाए तो अभी मना रहे हैं। बोले एदा रस्तो काने है ओए, अभी जा रहे हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये पाकिस्तान में ईद का माहौल, सब भाई दोस्त अपने करीबों के पास जा रहे हैं, अभी हम भी घूमने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ गाज पे बोल रहे हैं ये भाई लोग। होता है पाकिस्तान में ईद का माहौल, सब करीब अपने दोस्तों के पास रिश्तेदारों के पास जाते हैं, सारा शहर खाली पड़ा होता है। ये रुके हैं ब्रेक पे, क्यों रुके हो भाई? भाई वो बिलाल की बाइक का मोबिल चेक करवाना, मोबिल चेक करवा रहे हैं भाई लोग। और ये देखो आज समी की है, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह समी की पर्सनालिटी लूटने में मुझे बड़ा। और इसका चश्मा मैंने लिया है, ये जवाद का है, जवाद ने इसे लिया है, इससे मैंने लिया। तो भाई कहाँ हैं अभी और क्यों? भाई अभी हम आए हैं ककड़ी साइड में, हमारा प्रोग्राम है गाड़ी की तरफ, ककड़ में अभी पता है भाई, अबू को नहीं पता, ककड़ अभी रुके हैं तो बिलावल की गाड़ी का मोबिल चेंज होगा तो वो चेंज करवा लें तो फिर निकलेंगे, बाकी गर्मी टाइट है। हमारे लिए दुआ करना है कि सही सलामत पहुँच जाएँ, सही सलामत आ जाएँ। तो ये अली जान कर रहा है कि इसे लगता है माल, अली जान तूने 200 का चश्मा लिया है पूरे, तो वो भी छीन के ले गए, यकीन नहीं हो रहा मेरे 200 का, जेब में पर आए देख लो 200 का, तुझे यकीन नहीं, पूरे 200 रुपए का लिया यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने अपने पैसों में लिया है, अपने पैसों से, इसको यकीन नहीं हो रहा। तो अभी निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी ये कुछ है जो आपके साथ शेयर करेंगे, तुम बिलो जवाब साहब बिलो बिलाल चांडियो फुल नाला बोल रहा है कि फुल नेम लो मेरा, ना प्याद प्याद बाबा स्कूल है, पता नहीं प्राइवेट है या सरकारी, सरकारी तो ऐसे नहीं होते, प्राइवेट लग रहा है जितना मेरे हिसाब से, बाकी यहाँ सीधा जाना है अभी। और
यहाँ पे पानी पिएंगे थोड़ा। भाई लोग खड़े हैं, तीनों भाई दोनों। हाँ, हमारा अंदाजा गलत था, गवर्नमेंट स्कूल है ये। ये मैं यकीन नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट स्कूल है यार। चलो ठीक है, मानना पड़ेगा, अब लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल। ये स्कूल मां चला हूं। हला हला, अभी पेट्रोल वगैरह डलवाने आए हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ सीधा जाना है। ये तो सही, लेकिन एहतियातन डलवाना जरूरी है। पानी नहीं है, ये सैलाब आया था तो इस वजह से पानी बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह बेस्ट व्यू एवर, कभी नहीं देखा, कसम से एवर मैंने देखा है, कभी भी नहीं। बेस्ट व्यू फॉर एवर। अल्लाह विंजो ना ना पानी साफ थे तो विंजो नहीं लगे तो वो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह पानी वहाँ जा रहे है। तो अगर आप सफ़र के शौकीन हैं तो आपको रिकमेंड करेंगे हम कि आप यहाँ पर आओ। बाकी हम जैसे हैं तो आप अपने घर पे अच्छे हो, इसको इससे पूछो हमारा हाल। हाँ भाई, हमने सोचा था ये बस गाज होगा, बस एक घंटे दो घंटे का सफ़र है, लेकिन बाबा है तो दो घंटे का, दो ढाई का, लेकिन जो यहाँ के रास्ते हैं ना वो ख़राब हैं बहुत। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है व्यू माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। अगर हुकूमत सिंध इस पर इन्वेस्ट करे तो बहुत सिंध इससे बहुत मतलब कमाएगी। बाकी ये भाई जवाब भाई हम काले हो गए, काले हमारा कलर जो ये हुआ है ना, ऐसा हुआ है जो घर वाले पहचानेंगे ही नहीं, बोलेंगे कौन हो तुम। लोकेशन बेस्ट है माशाल्लाह, आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप सफ़र के शौकीन हो। इतने क्रीमी रात लगा बिलाल भाई, क्या बोलना चाहेंगे, ये आए या नहीं अपने घर? अच्छे हैं ना ये, सुना देखो घर वाला। हाँ बस घर पे आप लोग अच्छे हो भाई माशाल्लाह, व्यू चेक करें, जबल ही जबल हैं। तो अभी वापस कैंसा जा रहे हैं क्योंकि पानी हमसे ऊपर था, तो रहा मतलब गंदा भी था और मेला भी था, तो इस वजह से वापस कैंसा जा रहे हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं। अभी हम पूछ चुके हैं कक्कड़, तो यहाँ पर बोतल वगैरह पियेंगे, गर्मी है इस वजह से, तो ये ले रहे हैं अभी बोतल वगैरह पीकर फिर स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। सीधा निकलेंगे खानापुर, खानापुर में ये बोल रहे हैं बोरिंग पे नहाएंगे ना भाई, खानापुर में जाएंगे बोरिंग पे नहाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। पहले तो उन्होंने बोला कि खानापुर भाई, फिर कोई प्रोग्राम शाम को होटल पे चलेंगे। हाँ फिर वहाँ खेरापुर में जाएंगे, अभी तो होटल पे जाएंगे, अभी तो खाजिया पर चक्कर देकर फिर जाना है सीधा खेरापुर नॉन स्टॉप। अभी क्यों रुकें? अभी बोतल पीनी है, बोतल पियेंगे फिर सीधा कक्कड़ निकलेंगे।
अभी हम कक्कड़ पहुंच चुके हैं, निकल आए गाज के रास्ते से, तो अभी सुकून जान में जान आई है। बहुत लंबा रास्ता था। अगर आप लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं, अगर करते रहते हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो अपना सारा काम फिर कर कर फिर आएँ, कार पर आए तो बहुत ही अच्छा होगा, बाकी मोटरसाइकिल का नहीं सोचें। तो अभी जाएंगे खानापुर, तो अभी कैंशा आ गए हैं, एंटर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक सही सलामत। तो अभी जाएंगे इसी में सोएंगे, बहुत गर्मी तो माथा चकरा रहा है, सर चकरा रहा है मेरा, तो मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। न्यू गा से घर वापस आ गए थे, और बाकी 3-4 दिन से जो मेरे व्लॉग लेट अपलोड हो रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि हमारे शहर की जो लाइट की टाइमिंग है वो तब्दील हुई है, पता नहीं 1 घंटा होती है तो 4 घंटा नहीं होती, इसके लिए नेटवर्क इशू होता है और वाईफाई भी नहीं चलती, तो डेट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पाता। जब वाईफाई होती है तो कर देता हूँ। और एक बार फिर से ईद की आप सबको मेरे दिल से मुबारकें, और अल्लाह ताला जिन जिन ने कुर्बानियाँ की हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सब की कुर्बानियाँ अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। बाकी आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।